आनंदपुर साहिब, जहाँ की पावन धरती सिख गुरुओं की वीर गाथा गाती है, जहाँ सिख धर्म के 9वें और 10वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी रहते थे। आनंदपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यह शहर शिवालिक पहाड़ों और सतलुज नदी के पास बसा हुआ है। सो गाइज, अभी हम लोगों ने कार पार्क करी है और कार पार्क करके ही आपको दिख रहा है आज कितनी ज़्यादा धूप है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, 35 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है और काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना नींबू पानी लेकर नींबू पानी पीते हैं और अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। और जैसे मस्क बता रही है कि बहुत टेस्टी है, तो नींबू पानी पी के इस पावन गुरुद्वारे के दर्शन करते हैं और आपको भी यहाँ के दर्शन कराते हैं। आनंदपुर साहिब से कहीं यहाँ पे पड़ती है पंजाब में रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब रूपनगर कहलाने लग गया। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना रास्ते में यहाँ पे आनंदपुर साहिब जी में दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे तख्तश्री केशगढ़ साहिब गुरुद्वारा है, तो हम लोग उसके दर्शन करने जा रहे हैं और चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने साथ में। दूर से आप देखो ये गुरुद्वारा कितना सुंदर लग रहा है और हिल्स के ऊपर ये सिचुएटेड है और काफी अच्छा इसका आर्किटेक्चर है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है दूर से देखने पे। तो गुरुद्वारे पे जाने के लिए पहले ये हिल्स थोड़े सा चढ़ के जाना पड़ता है और इस गुरुद्वारे के आसपास काफ़ी शांत वातावरण है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो ऊपर चढ़ के यहाँ लेफ्ट साइड पे काफ़ी अच्छी मार्केट सिचुएटेड है, जहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिल रहा था, उसे भी हमने बाद में कवर किया। और जैसे बचपन में हम कहीं भी गुरुद्वारे जाते थे तो उसके बाहर मार्केट शॉप से हम लोग ज़रूर कड़ा लेकर आते थे वापस अपने लिए पहनने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी यादें हैं बचपन में जब भी हम गुरुद्वारा जाते थे। और यहाँ पर राइट साइड में बिल्कुल मार्केट के सामने जोड़ा घर है, जहाँ पर आप अपने जूते और चप्पलें देकर गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आनंदपुर साहिब, इस ऐतिहासिक नगर की स्थापना जून 1665 में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने की थी और पहले इसका नाम चक नानकी रखा गया था, जो उनकी माता जी के नाम पर था। और इस जगह से आप प्रसाद लेकर, जिसे कड़ा प्रसाद कहा जाता है, आप गुरुद्वारे में चढ़ा सकते हैं। तो अभी मस भी कड़ा प्रसाद लेकर आ गई है और चलो आपको आगे लेकर चलते हैं। सिख धर्म के 5 तख्त यानी थ्रोन्स, जो सिख धर्म में काफ़ी महत्व रखते हैं, उनमें से तीसरा तख्त श्री केसगढ़ साहिब यही है। यहाँ 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना यहीं पर की थी और इसी जगह पर, इसी तख्त पर तख्त श्री केशगढ़ साहिब गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन पंच प्यारों को नियुक्त किया था, जो खालसा पंथ की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। गुरुद्वारा के अंदर अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग है इस जगह की और बहुत अच्छा हमें भी लगा। और अंदर गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम के बहुत चीज़ें रखी हुई हैं जिन्हें प्रिजर्व किया गया है, जैसे उनके केश, उसे उस टाइम से अभी तक प्रिजर्व किया गया है और आप भी यहाँ आके उसे देख सकते हैं। और फिर हम गुरुद्वारा के मेन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग से एक ब्रिज के थ्रू क्रॉस करके मंजी साहिब, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र, जो जिनसे वो उस टाइम पर लड़ा करते थे, उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है, जैसे खंडा, कतार, करपा बर्चा, मस्कट, ये सारी चीज़ें यहां पर दर्शाई गई हैं। इस गुरुद्वारे के कॉम्प्लेक्स से हमें शिवालिक पहाड़ और पूरे शहर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। रियलिटी में आप इसे देखना, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। होली के पास यहाँ एक सिख महोत्सव होला मोहल्ला आयोजित किया जाता है, जहाँ भारी तादाद में सिख लोग इकट्ठे होते हैं और यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। गुरुद्वारा में मत्था टेकने के बाद हमने गुरु का लंगर खाया, जो बहुत टेस्टी था और इसे खाकर हमेशा ही तृप्ति महसूस होती है। इस गुरुद्वारे की इतनी रिच हिस्ट्री है और सिख गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता के किस्से सुनकर हमारा यहाँ आना तो सफल हो गया और यहाँ मत्था टेक कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपको भी ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।